अल्थान भीमराव धीरज से सूरत नवसारी रोड बेस्तान के बीच वाला आरसीसी रोड। मैं अभी तिरुपति प्लाजा और अल्थान डिरेसंस के बीच में हूँ। यहाँ पे रोड की सामने की साइड यानी कि अल्थान से बेस्तान वडोद जाने वाला रोड आरसीसी का बन गया है। ये साइड पे यानी कि बेस्तान से आने वाले रोड पे ये देखिए काफ़ी कुछ आरसीसी बन गया है, वो उसका काम चल रहा है। सामने मार्वेला करके प्रोजेक्ट है, पेलिनम पर रेसिडेंसी, वहाँ पे भी आरसीसी रोड सामने की साइड हो गया है और उसमें क्योरिंग यानी कि पानी पे वो आरसीसी को मजबूत करने के लिए क्योरिंग का काम चल रहा है। आरसीसी रोड इस तरह से वडोद अल्थान और बेस्तान के बीच में ये पानी को भरा जाता है जिससे कि आरसीसी को मजबूती मिलती है। ये हम देखते हैं कि उन्होंने ये पारा बनाया, गुजराती में लोग पारा बनाई हुआ चाहे भाई पारा के अंदर पानी भरा हुआ है, इससे ये आरसीसी रोड मजबूत बनता है। सूरत न्यू अल्थान टू वडोद सूरत नवसारी रोड यानी बेस्तान आरसीसी रोड मेरे लेफ्ट हैंड साइड है। अल्थान डिरेसंस है, दो छोटे छोटे खाली ब्रिज है। यहाँ पे अल्थान डिरेसंस से सूरत नवसारी रोड तक बीच में वडोद आता है, ये पांडेसरा का इलाका आता है, पांडेसरा का पीछे का इलाका ममरौली इलाका आता है, वो पूरा का पूरा तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा यहाँ पे आरसीसी रोड 3+3 लेन आरसीसी रोड प्लस उसके साइड में सर्विस रोड आएगा यानी कि काफ़ी अच्छा रोड बनेगा। ये जो मेरी जो दिशा जो जा रही है अभी मैं जहाँ पे देख रहा हूँ वहाँ पे अल्थान डिरेसंस है, वहाँ से VIP रोड 2 होके मगडल होके एयरपोर्ट की ओर जा सकते हैं और ये रास्ता सूरत नवसारी रोड को फ्लाईओवर से क्रॉस करते हुए रेलवे ब्रिज को क्रॉस करते हैं, सूरत उडना से आगे सचिन और बेस्तान के बीच में रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए कैनाल रोड के साथ साथ आगे जाके नीलम रेस्टोरेंट के पास तकरीबन मैं भी करण और सब गांव है कलम चलता हूँ वहाँ से नेशनल हाईवे को टच करेगा। तो ये रोड बनने से वेसु अल्थान भटार ये सब इलाके को बीच में वडोद ये सब इलाके को नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी मिलेगी और कड़ोदरा बालडोली वाले इलाके को एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलेगी। ये रोड आरसीसी रोड एक के बाय एक इलाके में कंप्लीट हो रहा है। ये देखो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो भी आरसीसी रोड ही है, इसके बिल्कुल सामने ऑलरेडी आरसीसी रोड कंप्लीट हो गया है, छोटे छोटे पोर्शन में आरसीसी रोड कंप्लीट होता है क्योंकि आरसीसी रोड बनाने का काम थोड़ा लंबा चलता है और आरसीसी रोड की अपनी खुद की चौड़ाई थिकनेस भी ज़्यादा होती है तो ये सब समय मांगता है। फिर क्योरिंग का पीरियड चलता है, पानी को जमाने का ये सब पीरियड चलता है, हो जाएगा लोगों को एक अच्छी सहूलियत मिलेगी। थैंक यू। आरसीसी रोड मैं अभी पांडेसरा न्यू अल्थान तिरुपति प्लाजा पे हूँ, ये चार रास्ता है। यहाँ पे ये आरसीसी रोड बन रहा है, ये देखिए तिरुपति चार रास्ता। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ से ये कैमरा घूम रहा है वो एरिया न्यू अल्थान करके है यानी कि वहाँ से मगडल्ला होके एयरपोर्ट जा सकते हैं। और ये जो नया जो इलाका है नया जो रोड जहाँ पे जा रहा है आरसीसी रोड 3+3 लेन वो बेस्तान वहाँ से रेलवे ट्रैक क्रॉस करके नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे सामने का पोर्शन पांडेसरा फिर वहाँ से गंडीकुटी रोड के रिंग रोड को कनेक्ट करता है और पीछे की साइड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके बिल्कुल पीछे की साइड यहाँ से जो रास्ता जा रहा है वो सचिन मगडल्ला रोड को कनेक्ट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार रास्ता है और यहाँ पे ये 6 लेन का 3+3 लेन का आरसीसी रोड बनने से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये जो पाइपलाइन है उसका शिफ्टिंग और ये सब चल रहा है यहाँ पे। थैंक यू। सूरत आरसीसी रोड मैं अभी वडोद अम्बेडकर सर चौक पे हूँ, यहाँ पे दोनों साइड आरसीसी रोड कंप्लीट हो चुका है।
मेरे लेफ्ट हैंड साइड में तिरुपति प्लाजा है और राइट हैंड साइड में पांडेसरा GIDC है। ये हम देखेंगे, ये RCC की रोड की पौड़ाई यानी कि 3+3 ले रहे हैं, दोनों साइड कम्प्लीट है, हम कुछ की चौड़ाई देख सकते हैं। और ये देखेंगे, देखो ये ट्रैफिक का अच्छा, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक यहाँ पे डाइवर्ट होगा। RCC रोड तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा ये RCC रोड बन रहा है। इसमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये रोड अल्थान डिजेशंस के बाद शुरू होता है, फिर खाड़ी को क्रॉस करता है, न्यू अल्थान बोरोड पांडेसरा GIDC ओके बेस्तान सिद्धार्थ नगर क्रॉस करके हुए, ये रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके हुए डिंडोली करोड़ा की ओर जाएगा। ये रोड सामने की साइड यहाँ से एयरपोर्ट आएगा और ये राइट हैंड साइड में यहाँ से रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के बाद उसको कनेक्टिविटी मिलेगी नेशनल हाईवे नंबर 48 की, तकरीबन नीलम रेस्टोरेंट के पास ये रोड निकलेगा। तो ये रोड एक नए कनेक्टिविटी मिलेगी, 3+3 लेन आएगा, RCC रोड आएगा, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी का मतलब हो के कुछ समय में ज़्यादा व्हीकल का मूविंग हो सके, तो लोगों को वेसु अल्थान भीमराड और वो सब इलाके से और एयरपोर्ट वो सब इलाके से नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी मिलेगी। और बालडोली साइड से आने वाले ट्रैफिक को एयरपोर्ट जाना हो तो उनको ये कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि दोनों को फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए, इसमें ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पांडेसरा GIDC है, यहाँ पे एक साइड का RCC कंप्लीट है और उसके ऊपर अभी क्योरिंग का पीरियड चलता है। क्योरिंग यानी कि पानी को छांट के वो रोड को मजबूत बनाया जाता है, वो सब काम चलता है। थैंक यू। सूरत उडना नवसारी रोड, मैं अभी बेस्तान में हूँ, सिद्धार्थ नगर 4 रास्ता पे, यहाँ पे सूरत नवसारी रोड के ऊपर ये ब्रिज बन रहा है 2+2 लेन। ये रोड सीधा यहाँ से आगे जाके रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके नेशनल हाईवे की ओर जाएगा और एक्सेस हाईवे की एंट्री के लिए कनेक्टेड होगा। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि पश्चिम दिशा में ये RCC रोड बन रहा है। ये यहाँ से बोडोड से न्यू अल्थान यानी कि बमरोली का पीछे का भाग है, वहाँ से अल्थान डिहर्सन्स और VIP रोड 2 से कनेक्ट करेगा एयरपोर्ट की ओर। थैंक यू।